मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। आज हम खड़े हैं उजानू स्पोर्टिंग क्लब। इस क्लब में आज चेस प्रतियोगिता शतरंज का प्रतियोगिता हो रहा है, जो बहुत ही अच्छा गेम है। तो आइए यहाँ के पदाधिकारियों से आपको रूबरू करवाते हैं और चीज़ों को स्पष्ट जानते हैं। मैं अपने चैनल के सौजन्य से तमाम उन भाइयों को बोलूँगा कि यह गेम में पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ें, क्योंकि ये बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही अच्छा खेल है। तो जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे अपडेट्स लेकर के, हम पुनः आपके साथ मिलेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। जय हिंद। এবার আমরা বরণ করে নেব সব। আমরা বরণ করে নেব আমাদের বিশিষ্ট অনুষ্ঠান বৃষ্টির জন্য কিছুটা আমরা দেরি হয়েছে। স্পোর্টিং ক্লাবের যে দুদিবসীয় চেস প্রতিযোগিতা, এবং এই চেস প্রতিযোগিতা করার জন্য উজানু স্পোর্টিং ক্লাবের সকল সদস্যকে জানাই আমার তরফ থেকে। চাই যে এই ধরনের খেলাধুলার মাধ্যম দিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এবং আমরা সকল ক্লাবকে যারা খেলাধুলার মাধ্যমগুলো বেছে নিয়েছেন তাদেরকে আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই। সেই মতে উজানু স্পোর্টিং ক্লাব আজকে যে খেলা শুরু করেছেন তার সকল সদস্যকে আমি ধন্যবাদ জানাই, এবং আমার পাশে বসে আছেন শিক্ষক মহাশয় ওনাকেও ধন্যবাদ জানাই, এবং যারা সমাজ সেবা করেন এবং সমাজে। আমরা এবার অনুরোধ করব আমাদের ভারতী স্যারকে দুটো শব্দ বলার জন্য। আদরণীয় কৌশলের মহোদয় শ্রী দিলীপ করবন্দি, অন্য অতিথিগণ জিনকা নাম মেয়ে জানতা হুম, আর উজানু ক্লাব কে সভী টিম কে সদস্য কো মে ধন্যবাদ আর শুভকামনায় দেতা হুম ইস চেস কম্পিটিশন কে লিয়ে। इससे हमारे समाज में जागरूकता आती है कि कंपटीशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो लोग इकट्ठे होते हैं उसमें एक भाईचारा की भावना जाती और साथ ही क्लब की शक्ति बढ़ती है। किन भन्दा फेरि अहिले जति पनि यंग जेनेरेशन छ या टीनेजर छ, जो पनि एउटा राम्रो गेम चेस की एउटा दिमागको गेम हो, यसलाई एकाग्रित गर्ने एउटा माने मान्छेको जुन कन्सन्ट्रेसन जुन हुन्छ त्यसलाई ध्यान राख्नु, मान्छेलाई यो जुन गेम छ यसमा जुन उत्साहित गर्दैछ हाम्रो यो गाउँको दाजुभाइहरू भयो, नानीहरू भयो, यो साह्रै नै। आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। तो आज आप लोग ये क्या व्यवस्था किए हैं यहाँ पर, और क्या है गेम प्लान, क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए हमारे दर्शक। सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं राजेश कुमार राय, उजानु स्पोर्टिंग क्लब का सेक्रेटरी। आज हम लोग दो दिवसीय चेस टूर्नामेंट स्टार्ट किए हैं। इस बार हम लोगों का 16 टीमें ने भाग लिया है। हम लोग हर साल ये प्रोग्राम शुरू करेंगे और बड़ी संख्या में करेंगे। तो यूथ लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी सिलीगुड़ी में खेल रहे हैं इसमें कोई बाधा नहीं है। सिलीगुड़ी का कोई भी भाई जो अच्छा खेलते हैं वो आ सकते हैं, क्लब में जुड़ सकते हैं। आपका एक सीटिंग में कितना घंटा का समय आप दे रहे हैं प्रतिभागियों को? घंटे में 2 घंटा का समय दे रहे हैं एक सीटिंग में, और एक चाल के लिए 2 मिनट समय दे रहे हैं। अच्छा, इसीलिए हम लोग को 16 टीम के लिए 2 दिवसीय करना पड़ा। आज हम लोग फर्स्ट राउंड खिलाएंगे, सेमीफाइनल और फाइनल 15 अगस्त के दिन खिलाएंगे।
फाइनल मैच आपका 15 अगस्त को है। 15 अगस्त को होगा। तो आप इसके पहले भी इस तरह का नहीं चेस गेम हम लोग फर्स्ट बार किए हैं। इससे पहले हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट एंड अदर्स कल्चर प्रोग्राम वगैरह किए हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ राजेश कुमार राय। मैं उजानू स्पोर्टिंग क्लब का सेक्रेटरी हूँ और हमारा क्लब 20 साल से शुरू किया है ये चेस कंपटीशन, चेस टूर्नामेंट। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मूल रूप से यही है कि जो यूथ मोबाइल के पीछे इस तरह हो गया गेम में कि उन लोग घर से निकलते नहीं है, एक बीमारी की तरफ बनता जा रहा है समाज में। उस बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग क्लब की तरफ से यह उठाए हैं बेरा कि हम लोग एक टूर्नामेंट रखते हैं, खेल का प्रोग्राम रखते हैं जिसमें यूथ लोग घर से आए बाहर लगे और उन लोग कुछ मोबाइल का जो उन लोग को लत लगा है उसको हम लोग दूर कर सकें। धन्यवाद। आपको आज ये चेस टूर्नामेंट प्रोग्राम में उजानू स्पोर्टिंग क्लब में जो आप आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है इसमें पार्टिसिपेट करके? इसका तो एक्चुअल कोई बखान ही नहीं है क्योंकि जब से कॉलेज छोड़ा हूँ तब से इंडोर 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 आउटडोर कुछ हो ही नहीं रहा। तो अपना पहले मैं बोल चुका हूँ एक बार, तो ये सब आउटडोर जो गेम्स है ये इंडोर है एक्चुअल में, इंडोर आउटडोर जो मोबाइल छोड़ के अपना भाई राजीव मोबाइल छोड़ के जो गेम है एक्चुअल सोशल, ये एक सोशल है और माइंड को ग्रोथ करने वाला गेम है चेस। तो इस तरह होना चाहिए प्रत्येक वार्ड में। आपका फेवरेट गेम क्या है? मेरा फेवरेट गेम फुटबॉल है एंड बैडमिंटन। अच्छा अच्छा, आप चेस कितने वर्षों से खेल रहे हैं? मैं कितने वर्ष से खेल रहे हैं, कितने वर्ष हो गया छोड़ा हुआ? अच्छा, हो गया होगा 22-23 साल छोड़ा हुआ, लेकिन थोड़ा सा है। तो ये 22-23 साल के बाद अच्छा अचानक फिर इसमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं? हिस्सा लेने आ रहा हूँ, 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है अंदर से? एक जोश। चलिए, मेरे पूरे टीम के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छा प्रदर्शन कीजिए और खेल के सामने विजेता बन के आइए। हाँ, विनिंग तो जिसको भी इच्छा होता कि जीतना। तो क्या नाम है आपका? दीप तमांग। आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में, मैं पंकज। तो ये चेस टूर्नामेंट प्रोग्राम में जो आप आए हैं कैसा फील हो रहा है? आप अपना नाम डेजिग्नेशन बताइए। रंजीत प्रसाद है और यहाँ का जो ऑर्गेनाइज भाई लोग है श्रीनगर उजानू बस्ती का, वो लोग भाई लोग सभी बहुत एक्टिव और अच्छे हैं।